बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात में कहा कि अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्ज उतारना है तो 150 से ज्यादा सीटें जीते। आपको बता दें कि साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं राज्य में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। अमित शाह ने कहा, जब हमने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे तो लोग हंसते थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने अधिक परिश्रम करके 300 से ज्यादा सीटें दिलाई और हम 325 सीटें जीते। अमित शाह ने आगे कहा, गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो ये उनका कर्ज उतारने का मौका है। एक समय हम ऐसी पार्टी थे जिनके 10 नगर पार्षद भी नहीं थे। आज राजनीतिक विशेषज्ञ हमसे पूछ रहे हैं, केवल 2% वोट के साथ हम मणिपुर में सरकार बनाने में कैसे सफल रहे। वो पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत नहीं समझते। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि वही पार्टी के मालिक हैं और वही चुनाव जिताते हैं। अमित शाह ने नर्मदा नदी के बनाए गए सरदार सरोवर बांध को बनवाने का श्रेय पीएम मोदी को दिया। शाह ने कहा कि बांध की आधारशिला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, लेकिन उसे पूरा नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर अन्य दलों से विचार विमर्श करने के लिए बीजेपी ने एक समिति का गठन किया था, जिसमें राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू तथा वित्त मंत्री अरुण जेटली शामिल हैं। लेकिन जेटली फिलहाल विदेश में हैं। शुक्रवार को समिति के सदस्यों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा वाम नेता सीताराम येचुरी समेत विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। फिलहाल के लिए इतना ही, आइए नजर डालते हैं आज के टॉप 5 हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष गुरुवार को एक साथ बैठेगा और अपना फैसला लेगा। जेडीयू ने पहले ही एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाली विपक्ष की बैठक पर सभी की नजर होगी। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। पजलपोरा, काकापोरा, हाजिनपीर के बाद अब बिजबेहड़ा में सेना ने आतंकियों को घेरा है। सुरक्षा बलों को मिली जानकारी के आधार पर आर्मी की आरा टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम ने बिजबेहड़ा जिले के मरहमा में बागपुरा और मैग्रेपुरा इलाके को घेर लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के पद से अनिल कुंबले ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोहली से साफ कह दिया इसके बाद भारतीय टीम के प्रदर्शन का जिम्मा कोहली पर होगा, और अगर कुंबले के जाने के बाद कप्तान के रूप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उन्हें भी हटना पड़ सकता है। ट्यूबलाइट को 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा भी कई देशों में इसे रिलीज किया जाएगा। इस शुक्रवार को केवल ट्यूबलाइट ही रिलीज हो रही है। ऐसे में बड़े शहरों में एक दिन में 18 शो रखे गए हैं। यही बताया जा रहा है कि इस मूवी की टिकट की कीमत 200 से 500 रुपए के बीच होगी। भारत की आबादी पहले के अनुमान से 2 साल बाद यानी 2024 के आसपास चीन की आबादी को पार कर सकती है। इसके 2030 तक 1.5 अरब होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्वानुमान में यह दावा किया गया है।